लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें, आप जानते हैं कि हर बार जब भी एग्जाम समाप्त होता है कुछ घंटे बाद प्रयास किया जाता है कि आप जो बुक पढ़े कौन से बुक से कितना प्रश्न आया, तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्न यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है संपूर्ण यहाँ पे देख लीजिए, सभी 120 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन के नीचे लिखा गया होगा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 चाहे जो भी लिखा गया होगा तो आप देखेंगे। और एक बात मैं बता दूँ, आप देखिए इसमें 100% यदि आप नहीं मिलाए हैं तो ज़रूर मिला लेंगे, इसमें 100% प्रश्न सही मिलेंगे। ये केवल और केवल फर्स्ट शिफ्ट वाला आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका है, तो आप ज़रूर देखें, यहाँ देखते हुएगा जो भी प्रश्न है कुछ प्रश्न को छोड़कर या मैक्सिमम प्रश्न में देखिएगा बीपीएससी टीचर ये इस तरीका से करके लिखा गया है। तो आपको बता दें कि आप कैसे तैयारी करें, और मैं जब भी बताता हूँ कोई भी मटेरियल की ये मटेरियल आप पढ़ लें तो उसका मैं प्रमाण भी देने का प्रयास करता हूँ, इस बात को आप समझेंगे। तो एग्ज़ाम टूर के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो 100% सफलता सुनिश्चित होगी, ये भी बात जान लें। अभी मैं इसमें तीन बुक का रिव्यू कर रहा हूँ कि तीन बुक से कितना प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दिनांक 24/8/2023 प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा में पूछे गए अधिकांश प्रश्न, और यहाँ पर देखिएगा ये तीनों बुक रुक्मिणी प्रकाशन का है, सामान्य ज्ञान के एक बिहार सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो जाएंगे बुक है, दूसरा बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियुक्ति यानी वॉल्यूम 1 है, अगला देखिएगा तब बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वॉल्यूम 2 है, यानी कि दोनों सेट देखेंगे तो एक में 25 सेट है एक में 20 सेट है, और 25 और 20 सेट जो आप बनाए होंगे अभ्यर्थी और सही तरीका से बनाए होंगे तो मिनिमम वो 80 प्रश्न करके आएंगे एकदम। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न है 120 में 80 आप सही करके आ सकते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे संपूर्ण काउंट करके मैं बताऊँगा कि कितना प्रश्न किस तरीका से आया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई बात बताया जाए तो मैं उसका प्रमाण अंत में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो पूछा गया था कि पहला प्रश्न आपका था, यदि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके किसी बुकलेट में कोई दूसरा होगा लेकिन ये प्रश्न मेरे बुकलेट में पहला था जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बीपीएससी टीचर भर्ती 1 से 5 वाला वॉल्यूम 2 का पेज नंबर आपके पास हो तो निकाल लीजिए 209। क्वेश्चन संख्या की बात करेंगे तो 77 जाइएगा और पलटिएगा, उसमें डिस्कशन में ये चर्चा किया गया है प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिएगा महात्मा गांधी एंड बिहार, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का पुस्तक यदि आपके पास होगा बीपीएससी का रुक्मिणी प्रकाशन का तो उसमें देखिएगा बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 78 में ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे आइएगा, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। मैं बताया था कि 2-4 प्रश्न आपके बिहार से रहेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे थे कि बिहार से कैसे रहेंगे, ये तो टीचर भर्ती है, तो देख लें आप यहाँ पे बिहार सामान्य ज्ञान पेज नंबर 47 में जाइएगा तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा रुक्मिणी के बुक में। आगे आइए, आगे दिखाते हैं, यहाँ पे आइएगा, किस स्थान पर बीवी यानी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की 1916 में, तो पूना हो जाएगा। यहीं आप जाइए बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 2 निकालिएगा, पेज संख्या 136 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 में जाइएगा और 42 का जो डिस्कशन दिया गया है वहाँ पर ये आंसर आपको मिलेगा। यानी कि यदि आप कभी भी बताते हैं कि जब भी कोई बुक पढ़ें तो उसका डिस्कशन ज़रूर देखें, और एक बात आप जानते हैं कि रुक्मिणी का जो डिस्कशन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है जो कि आप सबके लिए लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये उनके बुक से नहीं आया है, जो ये चौथा नंबर प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो अरुणा असफ अली, मैक्सिमम अभ्यर्थी इसको करके आए होंगे। अगला देखिएगा, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, तो शाहजानंद सरस्वती, बिहार सामान्य ज्ञान में जाइएगा पेज संख्या 66 में तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न था, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो यह कहा था ह्यूरोज ने, ये प्रश्न आप देखिएगा। 100% हम सही प्रश्न देते हैं, ये भी बात आप जानते हैं, थोड़ा सा विलंब होता है लेकिन सटीक प्रश्न दिया जाता है। यहाँ पे आइएगा, भारत और 1929 में
प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें दो कथन सही है, यानी कि आप देख सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी नंबर आंसर जाएगा। आगे आइएगा, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्णित हुई थी, तो 1992 में हुई थी। इस बात को आप समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी तक 15 प्रश्न किए, उसके बाद 16 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व के GDP यानी PPP में कितना प्रतिशत का अंशदान था, तो ये 32% हो जाएगा। अगला देखिएगा, यदि इससे मिलाते हैं तो आपका 100% सटन 100% प्रमाणिक और सटीक उत्तर होगा। किसी भी प्रकार का कोई यदि आपको संदेह लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं 17 नंबर में देखते हैं, 17 नंबर में दिया गया है विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध और समान पारिश्रमिक अधिनियम, नारी अवशिष्ट प्रतिनिधि यानी निषेध, तो ये आपका हो जाएगा पहला में जो होगा बिहार विशेष विवाह अधिनियम 1954 होगा, और उसके बाद दहेज निषेध आपका हो जाएगा 1961, उसके बाद आप आइएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, उसके बाद आइएगा नारी अवशिष्ट प्रतिनिधि, तो इसको लेकर चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1986। इसी तरीका से आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं तथा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आगे आते हैं इसी तरीका से, अब देखिए 18 तक मैं क्वेश्चन करा दिया, अब आइए आगे देखते हैं, 120 प्रश्न मिलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। 19 में आइए, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री ये एजुकेशन इन द इस पुस्तक सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो धर्मपाल के द्वारा लिखी गई है। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आह्वानित करता है, तो देश की एकता और अखंडता को करता है या इंडिकेट करता है, ये भी बात हो जाएगा। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है, तो NV रमना ने कहा था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 में आइएगा, सूची एक और सूची दो में मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए गरीबी हटाओ, उसके बाद लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले को भूमि, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, इन सारे चीज़ को लेकर, तो देखिएगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ इसका नारा जनता दल के द्वारा दिया गया था, जोतने वाले को भूमि इसका जो नारा था वाम मोर्चा का था, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा इसका नारा एंटी रामाराव के द्वारा दिया गया था। आगे आइएगा, देखिए 120 प्रश्न मिलेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, समय पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, तो देखिएगा ये आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 24 में देखते हैं, किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी चार नंबर आंसर होगा 24 में। आगे आते हैं, आगे देखिए 25 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5वां में देखिए, मेंटेरू के सरकार के अंतर्गत विधायिका यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आप जाइए और यदि आपके पास बुक है तो आप खोलिएगा BPSC टीचर भर्ती का 1-5 वाला Volume 2 में पेज संख्या 291 क्वेश्चन नंबर 59। आगे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो ये बुक से दावा किया जा रहा है। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है, 29 नंबर क्वेश्चन जाइए, BPSC टीचर भर्ती Volume 1 निकालिए और पेज संख्या 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला में ये निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो मीथेन, आप क्वेश्चन निकालिए यदि आपके पास है BPSC टीचर भर्ती 1-5 वाला Volume 2 निकालिए, पेज नंबर 163 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 का डिस्कशन देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 137 नंबर भी वहीं से था, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, आप जाइए सी नंबर इसका आंसर होगा स्वपोषी, यदि आपके पास Volume 1 बुक है रुक्मिणी का तो उसको खोलिए, क्वेश्चन पेज
नंबर 71 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 74 हुबहू आपको मिलेंगे। आगे आइए, अगला देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो ये आप जाइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 1 निकालिए, पेज नंबर 292 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 का डिस्कशन देखिए, ये आपको मिल जाएंगे। इसी तरीका से देखिएगा 34 में आहार श्रृंखला भी मिल जाएगा आपको, ऊर्जा स्रोत 33 में आप जाइएगा तो वह भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कार्बन वृद्धि नहीं करते हैं, शामिल है उपयुक्त में से एक से अधिक, बीपीएससी टीचर भर्ती 1-5 जाइए, वॉल्यूम 2 निकालिए, देखिए ई ऑप्शन वॉल्यूम 2 में दिया गया है, उसमें आप जाइएगा तो आपको प्रश्न संख्या की बात करेंगे तो 93 का डिस्कशन देखिएगा, पेज संख्या की बात करेंगे तो 88। जो पेज संख्या मैं बोल रहा हूँ, यदि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, यदि आपके पास बुक उपलब्ध है या आपके कोई मित्र के पास भी उपलब्ध है तो आप जरूर जाके देखेंगे, ताकि ये हो जाए कि हम जो काम करते हैं, जो एग्जाम टूर के द्वारा बताया जाता है, वह कितना प्रमाणिक काम होता है। आपको मैं बताता था कि इस बुक का अध्ययन कीजिए, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि फिर आज का एग्जाम जब समाप्त हुआ तो ये मैं जरूर बताऊं कि उस बुक से कितना प्रश्न आपको आया, किस तरीका से आपको लाभ आया या नहीं आया, इस बात को भी मैं बताने से थोड़ा भी गुरेज नहीं करता हूँ। चूँकि देखिए मेरा जो चैनल है वह केवल और केवल एजुकेशनल चैनल है, केवल और केवल स्टूडेंट के लिए है, तो उस पर जो भी बात बताया जाता है 100% प्रमाणिक होता है। आगे आइएगा 31 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आप क्वेश्चन निकालिए, वॉल्यूम 1 निकालिएगा और उसमें जाइएगा क्वेश्चन नंबर 74 का डिस्कशन देखिएगा, पेज नंबर 71 में, तो ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं यदि किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो आप एग्ज़ाम टूर में जाइएगा, आपको वहां से पीडीएफ इसका मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल, ये सी नंबर आंसर होगा, ये भी वॉल्यूम 1 आपके पास अगर बुक है बीपीएससी टीचर का रुक्मिणी का, तो पेज नंबर निकालिए 20, क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा उसी का है। यदि 40 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य परावैज्ञानिक विकिरण, बीपीएससी वॉल्यूम 2 निकालिए, पेज नंबर 397 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 106 का डिस्कशन में ये आंसर होगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय क्या है, तो आप देखिएगा 41 नंबर में सी आंसर होगा, और ये अगर आपके पास बुक है तो वॉल्यूम 2 निकालिए, 127 पेज नंबर देखिए, 107 क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। इसी तरीका से आप आइए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 आपके पास है, पेज नंबर 200 पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 97 का डिस्कशन देखिए, उसमें ये आपको आंसर मिलेंगे। आगे आते हैं, इसी तरीका से यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो सभी जो भी अभ्यर्थी हैं पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आपके लिए और आपके काम के लिए एग्ज़ाम टूर चैनल हमेशा प्रयास करती है, तो उसको ऐसा कभी ना करें जिससे कि आपको हानि मिले, हमेशा से आपके लिए और जो भी काम किया जाता है प्रमाण के साथ, विथ प्रत्यक्ष के साथ, बिना प्रमाण के कोई काम नहीं किया जाता है। तो इसी तरीका से आगे आएंगे तो देखिएगा, एक मैथ का प्रश्न है और उसमें भी आप देखिएगा तो बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 1 पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 9, यही क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपको दिया गया है। अब देखिए होता क्या है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो ये एक एक्स समीकरण का प्रश्न है, समीकरण का प्रश्न सेम आ सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरीका से जो भी अभ्यर्थी हैं ये देख सकते हैं, 77 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो माता पिता में जो लक्षण होता है वो भी बीपीएससी टेस्ट प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 300 पेज नंबर 360 क्वेश्चन नंबर 99 का डिस्कशन है, 362 में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर उतना देखिएगा। इसमें आइए, दो अंकों की एक संख्या का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाता है तो बदले हुए, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 1 में जाइए, पेज नंबर 331 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए, ये आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीका से आप देखते चलिए, मैं और प्रश्न दिखा रहा हूँ, इसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 83, ये भी आप जाइएगा और वॉल्यूम 2 निकालिए, पेज नंबर 381 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 111 निकालिए और उसका डिस्कशन पढ़ जाइए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहीं से। आगे आते हैं और आगे मैं देखता हूँ कि और सारा प्रश्न कौन कौन सा है। प्रिज्म वाला प्रश्न जो 88 है, बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 2 पेज नंबर 165
क्वेश्चन नंबर 115 में ये आपको मिलेंगे। आगे आइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला रह सकता है, ये नहीं है कि 100% हूबहू मिलेगा। प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, तरीका कहने का अर्थ हुआ कि शुरू में वो लास्ट में क्या लगा सकते हैं, शुरू में लगा सकते हैं या विकिरण से पूछ सकते हैं, या थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो उसमें आप देखिएगा, वॉल्यूम निकालिए, एक पेज नंबर 289 क्वेश्चन नंबर 51 का डिस्कशन देख लीजिए, ये आपको मिल जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, करेंट अफेयर जुलाई का ये प्रश्न है, ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 222। आगे आइएगा, इसी तरीका से देख सकते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन कैसे गैस है, तो आप देखिएगा बीपीएससी टीचर वॉल्यूम 2 निकालिए रुक्मिणी का, पेज नंबर 240 क्वेश्चन नंबर 106 का डिस्कशन देख जाइए, या आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरीका से अभी बहुत है ये भी बताने के लिए, तो आप देखिए, यदि एक बुक दो बुक पढ़ने से इतना यदि सहयोग मिल जाए, तो इससे बड़ा सहयोग कोई नहीं है बंधु। मैं इसलिए आपसे, देखिए यहाँ पे 99 नंबर ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी, तो ये भी करंट अफेयर का बुक निकालिए, पेज नंबर 101 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 61 में आपको मिल जाएंगे। आगे आइएगा, सुभद्रा देवी जिसको इतना पद्म पुरस्कार मिला, करंट अफेयर 2 जुलाई वाला निकालिए, एडिशन पेज नंबर 15 निकालिए, पद्म पुरस्कार पुस्तक मिल जाएगा। केवल संविधान सभा के सदस्य चुनाव में भाग ले, ये भी प्रश्न देखिएगा 103। बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 1 निकालिए, वॉल्यूम 2 निकालिए, पेज नंबर 206 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 61 देख जाइए, ये आपका कल्याण हो जाएगा। अगला आइएगा, करंट अफेयर ये भी आपको मिलेंगे 2 जुलाई वाले, पेज नंबर निकालिएगा 93 और क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। इसी तरीका से देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के का जो प्रश्न था 105 में, ये भी बीपीएससी टीचर भर्ती पेज नंबर 203 क्वेश्चन नंबर 61 का डिस्कशन में मिल जाएगा। 112 जो क्वेश्चन था ग्रीन बीच वाला, वो भी आपको मिल जाएगा बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 2। 260 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो 46 का डिस्कशन। हम हमेशा से बोलते हैं जी, जो भी अभ्यर्थी हैं, कि कोई भी प्रकाशन का बुक लें, डिस्कशन जरूर पढ़ें। इतना मैं बता के रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन आपको पढ़ना जरूरी है, डिस्कशन नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। ये देखिए 113 महासागरीय पर्वत के मुख्यालय खनिज, तो ये भी बीपीएससी 125 वॉल्यूम 2 पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 74 का डिस्कशन देखिए। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायज के रूप में होती है, तो बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 2 पेज नंबर 156 क्वेश्चन नंबर 80 का डिस्कशन देख जाइए। इसी तरीका से आपको मैं बताया, तो जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं पीडीएफ, एग्जाम टूर टेलीग्राम पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप इसको देख लें, मिला लें, और लास्ट में आपके पास यदि बुक होगा तो बुक जरूर पलट के देखिएगा। यहाँ लास्ट प्रश्न है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है, ये भी बीपीएससी टीचर भर्ती वॉल्यूम 2 पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 49 का डिस्कशन में दिया गया है। यानी कि ये मेरे बताने का मकसद मेन ये था कि जो मैं आप लोगों को बोला था कि इस बुक को पढ़ें, तो वहाँ से कितना प्रश्न आया ये मेरा बताना कर्तव्य है। तो ये देखिए, यदि रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी शिक्षक भर्ती वॉल्यूम 1 और बीपीएससी शिक्षक भर्ती वॉल्यूम 2 यानी कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती कक्षा 1, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती कक्षा 1 से 5 तक वाला, यदि आप दोनों वॉल्यूम बनाए हैं, तो आप ये जो प्रश्न मैं बताया कि ये प्रश्न यहाँ से आया, ये प्रश्न ऐसे आया, बहुत सारे लोग बनाए भी होंगे, बहुत सारे लोग प्रश्न छोड़े भी होंगे, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये सर बताते हैं कि डिस्कशन पढ़ना चाहिए, तो डिस्कशन का नतीजा आप देख लें, डिस्कशन से कितना फ़ायदा है, कोई एक विश्वास जमा कर पुस्तक पढ़ने से कितना फ़ायदा है, एग्ज़ाम टूर पर जुड़ कर कितना फ़ायदा है, इस बात को आप समझ जाएं, तो ये देख सकते थे। आगे फिर इसी तरीका से मैं जब भी बताता हूँ कोई भी बुक को कि आप इस एग्ज़ाम के लिए ये बुक पढ़ें, तो उसका मैं अंत में जब एग्ज़ाम बीतता है तो उसका मैं ये भी बताता हूँ कि इस प्रकाशन के बुक से आपका कितना आया, प्रश्न आया तो कौन कौन सा पेज से आया, पेज भी संख्या बता दिया हूँ, तो आप ज़रूर जाकर देखेंगे। यदि आप मेरा काम अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, यदि आपको लगे कोई सुझाव तो ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।